गाइज, हम लोग अक्सर अपने डे टू डे लाइफ में अक्सर बोला करते हैं, तुम होते कौन हो? या फैसला लेने वाले, तुम होते कौन हो? ऐसा कहने वाले, तुम होते कौन हो? उससे लड़ने वाले, तुम होते कौन हो? मुझ पर हंसने वाले, तुम होते कौन हो? मुझे डांटने वाले, तुम होते कौन हो? मुझे समझाने वाले, तुम होते कौन हो? मेरे भाई को गाली देने वाले, तुम होते कौन हो? मुझसे मजाक करने वाले, तुम होते कौन हो? मुझ पर गुस्सा करने वाले। तो गाइज, आज के इस क्लास में हम लोग इसी तरीके सेंटेंसेस को सीखने वाले हैं, बहुत ही इजी मेथड में सीखने वाले हैं। और आज का जो फ्रेज है गाइज, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुम होते कौन हो, इस तरीके के फ्रेज को हम लोग गाइज अक्सर अपने डे टू डे लाइफ में बोला करते हैं। हिंदी में तो इजी वे में बोल लेते हैं, जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है तो क्या करते हैं, अटक जाते हैं। अटक जाते हैं ना, तो गाइज अटकना नहीं है। मैं आप सभी को आज की इस क्लास में इस तरीके के फ्रेज को सिखाने वाली हूँ, और सेंटेंस में कैसे एड करना है वो भी सिखाने वाली हूँ। इसलिए गाइज आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। सो हे गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जयनगर मैडम। दिस इज जयनगर मैडम एंड यू आर वाचिंग ऑन जयनगर मैडम। हाउ आर यू गाइज डूइंग? आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। इन टूडेज वीडियो वी विल लर्न एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, एंड टूडे इज एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 48। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सबसे पहले आपको तुम होते कौन हो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये जानेंगे। तुम होते कौन हो को इंग्लिश में कहते हैं हु द हेल आर यू, हु द हेल आर यू। तो इस फ्रेज को गाइज आपको याद रखना है, जब भी आपको बोलना हो तुम होते कौन हो तो क्या कहेंगे, हु द हेल आर यू, मतलब तुम होते कौन हो। तो चलिए इस फ्रेज को स्ट्रक्चर में रख के देखते हैं। सबसे पहले गाइज, तुम होते कौन हो इसको बोलना है हु द हेल आर यू। देन उसके बाद आपको टू का यूज करना है। देन इसके बाद टू के बाद क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस फ्रेज को गाइज याद रखिएगा, सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, हु द हेल आर यू, उसके बाद टू का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। गाइज, तो आज का स्ट्रक्चर जो है आप सभी को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो तुरंत एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसको सेंटेंस में कैसे यूज करना है सीखते हैं। पहला सेंटेंस है, तुम होते कौन हो या फैसला लेने वाले। तो सबसे पहले कैसे यूज करना है, हु द हेल आर यू। Who the hell are you? Who the hell are you? उसके बाद क्या यूज करना है, टू का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, लेने टेक, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, यह फैसला। यहां पे गाइज लेने वाले टेक, ओके। उसके बाद यह फैसला क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, दिस डिसीजन, दिस डिसीजन। देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क, हु द हेल आर यू टू टेक दिस डिसीजन, हु द हेल आर यू टू टेक दिस डिसीजन। गाइज आपको मेरे साथ साथ बने रहना है,
मैं आप सबको प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ। फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, लिसन करना है, एंड सेकेंड टाइम में आपको मेरे साथ साथ से अलाउड बोल बोलकर प्रैक्टिस करना है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी सीख भी पाएंगे। तो सीखना है तो आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। आई होप कि मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। सेकेंड वन, तुम होते कौन हो ऐसा कहने वाले, हु द हेल आर यू, हु द हेल आर यू। देन उसके बाद टू, ऐसा कहने वाले, तो कहना, तो कहने वाले मतलब से क्रिया है, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है गाइस। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऐसा दैट, हु द हेल आर यू टू से दैट, हु द हेल आर यू टू से दैट। देन इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम होते कौन हो उससे लड़ने वाले, हु द हेल आर यू, हु द हेल आर यू टू क्या है, उससे लड़ने वाले, तो लड़ना का इंग्लिश फाइट, फाइट उससे विद हिम, हु द हेल आर यू टू फाइट विद हिम, हु द हेल आर यू टू फाइट विद हिम। यदि लड़की होगी तो यहां पे आप हर का यूज करेंगे, जैसे हु द हेल आर यू टू फाइट विद हर। तुम होते कौन हो मुझ पर हंसने वाले, हु द हेल आर यू, हु द हेल आर यू टू हंसने की इंग्लिश लाफ, लाफ मुझ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है एट मी, हु द हेल आर यू टू लाफ एट मी, हु द हेल आर यू टू लाफ एट मी। तुम होते कौन हो मुझे डांटने वाले, हु द हेल आर यू टू डांटने की इंग्लिश स्कोल्ड, मुझे तो क्या हो जाएगा मी, हु द हेल आर यू टू स्कोल्ड मी, हु द हेल आर यू टू स्कोल्ड मी। तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले, हु द हेल आर यू, हु द हेल आर यू टू समझाने की इंग्लिश एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मुझे मी, हु द हेल आर यू टू एक्सप्लेन मी, हु द हेल आर यू टू एक्सप्लेन मी। तुम होते कौन हो मेरे भाई को गाली देने वाले, हु द हेल आर यू, हु द हेल आर यू टू मेरे भाई को गाली देने वाले, गाली देने वाले को क्या बोलते हैं, अब्यूज, अब्यूज मेरे भाई को, माई ब्रदर, हु द हेल आर यू टू अब्यूज माई ब्रदर, हु द हेल आर यू टू अब्यूज माई ब्रदर। तुम होते कौन हो मुझसे मजाक करने वाले, हु द हेल आर यू, हु द हेल आर यू टू मुझसे मजाक करने वाले। तो मजाक करने की इंग्लिश होती है जोक, जोक मुझसे विद मी, विद मी। हु द हेल आर यू
टू जोक विद मी. हु द हेल आर यू टू जोक विद मी. हु द हेल आर यू टू जोक विद मी. तुम होते कौन हो मुझ पर गुस्सा करने वाले. हु द हेल आर यू. हु द हेल आर यू टू मुझ पर गुस्सा करने वाले. गुस्सा की इंग्लिश क्या होता है? एंग्री. मुझ पर एट मी. सॉरी गाइस, यहां पे गेट छूट गया है. गेट होगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. गुस्सा करने वाले जब बोलना होता है तो उससे पहले गेट का यूज करना पड़ता है. गेट क्या है? वर्ब है. ओके. हु द हेल आर यू टू गेट एंग्री एट मी. नाउ गाइज योर टर्न. अब आपकी बारी है. मैं आप सभी को होमवर्क दे रही हूं जिसको क्या करना है कमेंट बॉक्स में सेंड करना है. फर्स्ट वन, तुम होते कौन हो मुझसे बहस करने वाले. एंड सेकेंड वन, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले. गाइज दीज टू सेंटेंसेज आर फॉर यू. सो प्लीज यू हैव टू टेल इन कमेंट बॉक्स. गाइज यदि वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा. यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.